तो हमारा प्रैक्टिकल है न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ये एपरेटस है और इस एपरेटस के अंदर एक हमारा यहाँ पर जो है वो लेज़र गन होती है, ये लेज़र डायोड यहाँ पर लिखा हुआ भी है, लेज़र डायोड मॉड्यूल। ये क्या काम करता है, ये एक लेज़र गन से जुड़ा हुआ है और इसको पावर देता है और यहाँ से लेज़र हमारा एक तरीके से लेज़र डायोड यहाँ से जनरेट होता है जो जैसे, और यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्टिव लेंस है जो उस बीम को फोकस करके जो हमारा ये फर्स्ट चक है, इनपुट चक इसको हम बोलते हैं, जहाँ से लेज़र लाइट एंटर करेगी और इस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होते हुए सेकंड चक पे आएगी। और इधर जो ये इधर एक तरीके से यहाँ पर ये ग्राफ लगा हुआ है, तो ग्राफ पेपर पे हम जो यहाँ पर स्पॉट आएगा लेज़र बीम का उसका डायमीटर के बारे में स्टडी यहाँ पर हम करते हैं और इसके बीच की और इसके बीच की डिस्टेंस को हम मोशन में करा के वो हम यहाँ से एक तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वही आज इस चीज़ के अंदर हम समझेंगे कि कैसे इसको हम आगे पीछे मुँह करा के इसका जो डायमीटर है वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से इसका पावर सप्लाई ऑन कर लेते हैं, ये मैंने इसका यहाँ से पावर सप्लाई ऑन कर दिया और देख रहे हैं कि यहाँ से लेज़र अपना स्टार्ट हो गया ये, और जो ये लेंस है ये वाला लेंस, और इसको यहाँ पर हम फोकस देख रहे हैं कि ये ठीक से फोकस है यहाँ पर, अगर नहीं है तो इसको ठीक से फोकस कर लिया जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ऑप्टिकल फाइबर थ्रू के होते हुए जो लाइट यहाँ पर जा रही है वो यहाँ पर एक स्पॉट यहाँ पर बन रहा है। इसको हम थोड़ा आगे पीछे करेंगे तो ये स्पॉट के जो डायमीटर है उसको यहाँ से छोटा या बड़ा किया जा सकता है, अगर यहाँ से लाइट प्रॉपर तरीके से फॉल नहीं हो रही हो तो इसको हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। एडजस्ट करने से क्या होता है कि जो मैक्सिमम लाइट है वो हमारे जो सेकंड चक ये है उस पर ये मैक्सिमम लाइट यहाँ पर फॉल होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये, तो इस ये ऑप्टिकल फाइबर वायर जिसके अंदर जो सिग्नल ट्रेवल करता है वो लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करता है और स्पीड ऑफ लाइट से इसके अंदर चलता है और ये स्पॉट हमें यहाँ पर मिला। इसका एक टेबल हमारे पास होती है देखा जाए तो एक तो यहाँ पर हमें डायमीटर देखना होता है, ये स्पॉट जो है इसका डायमीटर, और एक डिस्टेंस यहाँ पर हमें देखनी होती है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम यहाँ कह देते हैं कैपिटल डी है मान लीजिए, और इस पर डायमीटर जो है वो यहाँ पर हम डायमीटर देख लेते हैं जो लाइट का, इसको स्मॉल डी से कह देते हैं, ये सीरियल नंबर हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो पहली डिस्टेंस, दूसरी डिस्टेंस, तीसरी डिस्टेंस, तो इस तरह से ये जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं, ये थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पर कर देते हैं और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर इसको पढ़ भी लेते हैं हम यहाँ पर जितनी डिस्टेंस है, मान लिया ये यहाँ पर मान लिया आपको 5 सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर आया, उस हिसाब से यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका डायमीटर कितना है। डायमीटर को एक तरीके से ये जो यहाँ पर हमारा ग्राफ बना हुआ है ये, तो ये जो ग्राफ है तो उसका देख लेते हैं कि ये यहाँ तक जा रहा है या यहाँ तक जा रहा है, उस हिसाब से हम इस पर मार्किंग कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये 0.5 यानी कि 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर यहाँ से बनता है। ऐसे ही फिर मान लेते हैं इसको थोड़ा सा और हम बढ़ा देते हैं ये ऐसे, और यहाँ पर मान लिया ये 8 सेंटीमीटर हमने कर दिया तो डायमीटर थोड़ा बढ़ जाता है, मान लिया ये 1.5 सेंटीमीटर निकल के आया। तो इस तरह से हमें ये इसमें रीडिंग नोट करनी पड़ती है। फिर इसका जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर वो हम इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला एक तरीके से अंडर रूट N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर ये पे होता है। N1 और N2 एक तरीके से ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो कोर एंड क्लेडिंग होती है उसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लेकिन इसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो हमें दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर लगाना पड़ेगा। वो एक होता है ये जो जुड़ा होता है, वो जुड़ा होता है एक्सेप्टेंस एंगल से, IA जो हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल से ये जुड़ा होता है, जो कि एक साइन की फॉर्म में वहाँ पर आता है, साइन यानी कि ये न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू साइन ए एक्सेप्टेंस एंगल के बराबर यहाँ से होता है। जब साइन ए हमें अगर हमें निकालना है, साइन ए क्या होता है कि ये जो स्पॉट हमारा है लाइट का, मान लिया ये है स्क्रीन और यहाँ पर जो ये स्पॉट यहाँ पर आया है ये इस तरह से, ये यहाँ पर स्पॉट आया तो हमें ये जो एंगल है यहाँ पर ये एक्सेप्टेंस एंगल एक तरीके से होता है। ये क्या है इसका एक यहाँ से यहाँ तक डायमीटर होता है, तो ये अगर d है तो ये d/2 हो जाएगा यहाँ से, और ये डिस्टेंस यहाँ से कैपिटल D जो हमने अभी निकाली वो ये है, तो यहाँ से हम 10
आई ए निकालेंगे, टेन आई ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, यानी कि डी वाई टू अपॉन में कैपिटल डी, यानी कि ये टेन आई ए अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा यहाँ से डी बाई टू अपॉन में कैपिटल डी, तो टेन आई ए आ गया, तो उससे साइन ए निकाल लेंगे, साइन ए अगर हमारा आ जाएगा तो वहां से न्यूमेरिकल अपर्चर आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल अपर्चर कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस एंगल से जुड़ा होता है, एक्सेप्टेंस एंगल कहीं ना कहीं एक टॉट जो हमारा क्रिटिकल एंगल होता है कि लाइट इसके अंदर हमें क्रिटिकल एंगल पर पहुंचानी होती है ऑप्टिकल फाइबर के लिए, तो हमें एक्सेप्टेंस एंगल कितना हो, यानी कि न्यूमेरिकल अपर्चर कितना निर्धारित करें, या इसका न्यूमेरिकल अपर्चर कितना है वास्तव में, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए वहां पर हमें जानना जरूरी होता है। तो इस तरह से इसका न्यूमेरिकल अपर्चर हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें हमें देखनी होती हैं, एक तो इसका डायामीटर स्पॉट का, और एक ये इसके और इसके बीच की डिस्टेंस। जैसे जैसे हम इसके बीच की डिस्टेंस को वेरी कराएंगे तो डायामीटर किस हिसाब से वेरी कर रहा है वो रीडिंग हमें नोट करनी पड़ती है, और क्योंकि इसमें हमें टेन थीटा लगाना होता है, टेन थीटा क्या होगा एक तरीके से जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं इस तरह से, ये कि अगर ये स्पॉट है और यहाँ से ये है इस तरह का है तो ये कैपिटल डी है, और ये जो है ये एक तरीके से हमारा एक्सेप्टेंस एंगल होगा आई ए, तो यहाँ से हम एक्सेप्टेंस एंगल निकाल करके न्यूमेरिकल अपर्चर फाइंड यहाँ से कर सकते हैं। तो इतना काम इस प्रैक्टिकल में आप लोगों को करना है, और ये मॉडर्न एक्सपेरिमेंट है आज के, अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो हमारे सिग्नल, मोबाइल सिग्नल, टेलीकम्युनिकेशन की जो इंडस्ट्री है वो इस पे काम करती है, ऑप्टिकल फाइबर लाइंस बिछा रही हैं, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हमें सीखनी है, तो ये उसी पर आधारित है। तो इतना ही रखते हैं।